ये खेसारी लाल जी का जो गाड़ी और हाई करोड़ के होकर एगो अगर सॉकेटवा बेच देंगे ना जेकरा में से करेंटवा निकलता है तो बैठ के आदमी खाएगा बता दे रहे हैं। और दो चार को जो चंगू मंगू यूट्यूबर है जो कट पेस्ट मार के जो कह रहा है कि खेसारी का जिंदगी हो गया बर्बाद, खेसारी का लग गया विरोध, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। खेसारी लाल एक खेसारी लाल है, एक ट्रेंडिंग मैन है, और सबसे बड़ी बात है कि वो भैंस से आज फॉर्च्यूनर पे चल रहा, फॉर्च्यूनर से आज 2.5 करोड़ का गाड़ी पे चल रहा है, बोले वाला बात नहीं है। हमको तो लगता है खेसारी बैंड हो तो भोजपुरी बैंड हो जीतो। हाँ, खेसारी लाल एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक गला है उनके पास, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक गरीब आदमी आज अमीर बना है। वो जो बोलते हैं ना हर वीडियो में कि भैंस चराबे वाला आज फॉर्च्यूनर पे बैठा है, तो एकदम सही बात है। समीर चौधरी पूरा सपोर्ट कर रहा है खेसारी लाल यादव जी। शर्म आना चाहिए इसको ऐसे लोगों को कि खेसारी लाल जैसे लोग कोई लोग बैंड करवाना चाहे। गायक को बंद कर दिए, कोई गला छीन लीजिएगा क्या? इसकी किसी की औकात नहीं, वो सरकार हो या पूरा ब्रह्मांड में कोई भी हो, कोई किसी का मतलब गला नहीं छीन सकता, कोई किसी का हक नहीं। अब हमारा बोले का टैलेंट है, हमारा से छीन लीजिएगा, छीन लीजिएगा, आइए ना फरिया लेते हैं आपसे, आइएगा। बोले वाला बातें नहीं है, समीर चौधरी बोल दिया, तीर तलवार में चिंगारी निकल गया। आप सोचिए ना कि कौन है भैया, वो चिंगारी में कितना अपना सिगरेट जला रहा है। अब सिगरेट का मतलब है कि आज हाईकोर्ट में अपील कर दिया गया है कि खेसारी को हम अपने चैनल पे गवावेंगे, तो इतना करोड़ रुपया का डिमांड है, तो इतना गाना लेवेंगे, 200-400 मैंने का मजाक बना रखे हैं। अगर बंद करना है ना तो आप लोग अश्लील को बंद कीजिए, कि जो व्यक्ति भैंस पे चल रहा था जिसको भैया चारा खिलाने की औकात नहीं थी, आज वो पूरे देश में लंगरों को चेयर बांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? अगर गलत कर रहे हैं तो कुछ विरोधियों को लग रहा होगा, हम तो पूरा पूरी जान रहे हैं कि इसमें हाथ किसका है। अभी बोल देंगे तो दम लगड़ जाएगा, ललका मिर्चिया चिड़चिड़ा के ऐसे ऐसे तो बोले में फट जाएगा बहुत लोग के। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको विरोध करना है, खेसारी जी को बैंड करवाना था, तो एक बार मुहा पर जाकर बोलिएगा ना। अच्छा, हम ये जो उनका मैनेजर है कोचे ना विवेक, अच्छा विवेक जी आप हमको ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे ना जी, नेपाल से चल के आप आए हैं, एजुकेशन लेवल आपका बढ़िया है, फिर भी आपके नेतृत्व में कैसे हो गया? हम ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बैंड करना है तो खेसारी लाल को खाली का है बैंड किया गया। इसके पीछे जानते हैं बड़ी बड़ा बड़ा गिरोह के हाथ है। समीर चौधरी बोलना नहीं चाहता है, फिर भी बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है हमको। आखिरकार जब खेसारी लाल यादव को बैंड करने के लिए जो हाईकोर्ट में जो अपील किया गया है, ये जो म्यूजिक कंपनी जो चोली ढोंडी दूसरा सबसे करवाता है, इस पर काहे नहीं बैंड किया जा रहा? नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़। अभी हमारे पास एक्टर समीर चौधरी मौजूद हैं, जो कि खेसारी लाल यादव को करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अब एक साल से खेसारी लाल यादव को परेशान किया जा रहा है। उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा कि खेसारी लाल आगे अब गाना गाएंगे या नहीं गाएंगे या फिर घर बैठेंगे। समीर जी कैसे हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले तमाम दर्शक के, भोजपुरी सुनने वाला के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैंने कहा मैंने लग गई ना नज़र खेसारी लाल के, 1 करोड़ कितना गाड़ी ले थी ने वो 2.5 करोड़ के जो गाड़ियाँ ले थी ने। अरे भैया मैंने, हम ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बैंड करना है तो खेसारी लाल को खाली का है बैंड किया गया। इसके पीछे जानते हैं बड़ी बड़ा बड़ा गिरोह के हाथ है। समीर चौधरी बोलना नहीं चाहता है, फिर भी बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है हमको। आखिरकार जब खेसारी लाल यादव को बैंड करने के लिए जो हाईकोर्ट में जो अपील किया गया है, ये जो म्यूजिक कंपनी जो चोली ढोंडी दूसरा सबसे करवाता, इस पर काहे नहीं बैंड किया जा रहा? आखिर में खेसारी जी को ही टारगेट क्यों किया गया? एक तो वो बेचारा को देखिए कि भैंस से आज फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। वो बोलते हैं ना तो बहुत सही बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति भैंस पे चल रहा था जिसको भैया चारा खिलाने की औकात नहीं थी, आज वो पूरे देश में लंगरों को चेयर बांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? अगर गलत कर रहे हैं तो कुछ विरोधियों को लग रहा होगा, हम तो पूरा पूरी जान रहे हैं कि इसमें हाथ किसका है। अभी बोल देंगे तो दम लगड़ जाएगा, ललका मिर्चिया चिड़चिड़ा के ऐसे ऐसे तो बोले में फट जाएगा बहुत लोग के। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको विरोध करना है, खेसारी जी को बैंड करवाना था, तो एक बार मुहा पर जाकर बोलिएगा ना। अच्छा, हम ये जो उनका मैनेजर है कोचे ना विवेक, अच्छा विवेक जी आप हमको ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे ना जी, नेपाल से चल के आप आए हैं, एजुकेशन लेवल आपका बढ़िया है, फिर भी आपके नेतृत्व में कैसे हो गया? ठीक है एक आध बार अश्लील गाना से वो प्रमोट हो गलती है लसानिया मिर्जा वगैरह, लेकिन हमेशा तो वो नहीं गाते हैं। आज की डेट में ट्रेंडिंग में कौन कौन चलता है? 2 आदमी, तीर तलवार, यही में लड़ाई हो गया, चंगारी नहीं कर रहा, बात खत्म हो गया। मतलब आपका कहना है कि खेसारी लाल यादव को फंसाने के पीछे, बैन करने के पीछे किसी बड़ा गिरोह का हाथ है? गिरोह को जी, बोले वाला बातें नहीं है, समीर चौधरी बोल दिया, तीर तलवार में चिंगारी निकल गया। आप सोचिए ना कि कौन है भैया, वो चिंगारी में कितना अपना सिगरेट जला रहा है। अब सिगरेट का मतलब है कि आज हाईकोर्ट में अपील कर दिया गया है कि खेसारी को हम अपने चैनल पर गवावेंगे, तो इतना करोड़ रुपया का डिमांड है, तो इतना गाना लेवेंगे, 200-400 मैंने का मजाक बना रखे हैं। अगर बंद करना है ना तो आप लोग अश्लील को बंद कीजिए, गायक को बंद कर दीजिए, कोई गला छीन लीजिएगा क्या? इसकी
किसी की औकात नहीं, वो सरकार हो या पूरा ब्रह्मांड में कोई भी हो, कोई किसी का मतलब गला नहीं छीन सकता, कोई किसी का हक नहीं। अब हमारा बोले का टैलेंट है, हमारा से छीन लीजिएगा, छीन लीजिएगा तो आइए ना, फरिया लेते हैं आपसे, आइएगा। जिस तरीके से अभी खेसारी लाल यादव के साथ जो मामले चल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को डिफेंडर बेचवा देंगे, कार बेचवा देंगे, फिर भी नहीं 5 करोड़ रुपया जुट पाएगा, और खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया लिया ही नहीं। नहीं, लिए कि नहीं लिए, ये सब एगो जांच के विषय है। जो व्यक्ति को ये लगता है कि खेसारी लाल अपन गड़िया भी बेच देगा तो 5 लाख रुपया कितना, 5 करोड़ रुपया नहीं जमा होगा, चाहे वो जमीनवा जहाँ लेती ना अपन घरवा तर, एक बार वो बेचेंगे ना तो कितना के औकात हो खरीद लेंगे उनको। तो हमारा कहना है कि 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उनके पास, बोले के बात नहीं, ऊपरे वाला दे ले। हम तो कहे कि चैनवा ऐसे घुमा देती तो कितना झड़ जाएगा। तो खेसारी लाल को टारगेट किया गया है, अगर करना ही है टारगेट तो उसको टारगेट कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा भारत में बिहार में अपना अश्लीलता फैलाता है सबसे ज़्यादा। कौन भैया? तो कुछ यूट्यूबर लोग, जो कि भैया यहाँ से किसी से भी चोली ढोनी गवा देगा और विदेश तक नाम होता तो कौन बदनाम हुआ? भारत बदनाम हुआ, बिहार बदनाम हुआ, भोजपुरी समाज बदनाम हुआ। 4 दिन हुआ, चांदनी रात बन गया अपने आप को, चंगू मंगू सब खोल लेता यूट्यूब कंपनी है, सोच रहा हम बहुत बड़का टी सीरीज का दम जनमल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लोग की औकात नहीं है। 5,000 में ऑटो ट्यून पे गाना गवाने के बाद उसको बहुत पैसा खर्च करके प्रमोशन मार मार के तब वो जगह पे लोग पहुंचता है, कलाकार को बैंड करवाने चला है। शर्म आना चाहिए इसको, ऐसे लोगों को, कि खेसारी लाल जैसे लोग कोई लोग बैंड करवाना चाहे, बहुत बुरा लग रहा है हमको ये सब बोलते हुए। अच्छा समीर जी बताइए कि खेसारी लाल यादव अगर 1 साल तक गाना नहीं गाते हैं, लोग बोल रहे हैं उनके करियर खतरे में है, और यूट्यूब पर जितने गाने आते हैं खेसारी लाल यादव का ऑडियंस इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं काफ़ी तनाव में। देखिए आज के डेट में भोजपुरी में दो ही लोग सितारा चमक रहे हैं, एक वो खेसारी जी, एक पवन सिंह। अगर ये दोनों को अगर बैंड कर दिया जाए, मैंने इन लोगों को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब तो ये ना कि भोजपुरी की आवाज़ को दबा दिया गया है। कहाँ गए भोजपुरी सुनने वाले लोग? कहाँ गए खेसारी के फैन फॉलोवर? नहीं दिख रहे हैं क्या अभी आप लोग? अगर दिख रहे हैं तो जहाँ लग रहा है कि खेसारी लाल को बैंड करना है, उतरिए ना रोड पर, उतरिए और करिए नंगा नाच, तब ना दिखेगा लोग कि हाँ भाई खेसारी जी कैसा है। और ये होना ही चाहिए क्योंकि खेसारी लाल एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक गला है उनके पास। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक गरीब आदमी आज अमीर बना है। वो जो बोलते हैं ना हर वीडियो में कि भैंस चराबे वाला आज फॉर्च्यूनर पे बैठा है, तो एकदम सही बात है। समीर चौधरी पूरा सपोर्ट कर रहा है खेसारी लाल यादव जी को। अच्छा बताइए समीर जी कि खेसारी लाल यादव के टीम पर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे बीआईबी विजेंद्र सिंह का कहना है कि खेसारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं कि खेसारी लाल यादव के फंसाने के लिए दलाली लिए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, चाहे इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, तो बीआईबी भैया अगर बोले हैं तो वो बहुत पुराने कलाकार हैं, पुराने डायरेक्टर हैं, पुराने राइटर हैं, तो उनकी मानसिकता जो है बहुत अच्छी है। वो कहीं ना कहीं वो अंदर की बात बोले होंगे। आज अगर खेसारी लाल बैंड हुए हैं तो कुछ इन लोगों की भी गलतियाँ हैं, बात है जो क्लियर, बोले के बात नहीं। एक खेसारी लाल जी खुद हैं, एक अखिलेश भी हैं और एक विवेक भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन जोड़ी है ना, ये तीन जोड़ी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ विरोधी जो कि बोले वाला बात नहीं है, वो जो कभी अवार्ड शो कहीं लंदन में रखवा देते हैं, कभी देखिए दुबई में रखवा देंगे, कहीं ना कहीं अगला का जाल फेंका हुआ है, ये बोले वाला बात नहीं भैया। नज़र लग गई इनका ये 2.5 करोड़ वाला गड़िया से, वो गड़िया लिए हैं, अगला के नज़र में चढ़ गए हैं, और नज़र में चढ़ला के बाद सोच रहे कि तीनों के हम पहले तोड़ दें और बाद खेसारी जी को हम रेल दें। तो ये होने नहीं देगा पूरा बिहार और पूरा भोजपुरी समाज, क्योंकि खेसारी लाल वो आदमी है जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में चलने वाला लोग है। आज भी उनका एक वो गाना ट्रेंडिंग है, जबकि उनके ऊपर लगल हवा तपरो। तो ये बहुत गलत बात है। और विवेक और अखिलेश भैया को कोई कितनों भी विरोध करने के लिए कितनों भी कह दे, हम नहीं मानने वाले हैं भैया। हाँ, सबका अपना थोड़ा बहुत तो गलती है ना भाई, मैनेजिंग करते हैं तो उनको गलती है, तब क्या गलती है नहीं है, वो खेसारी जी समझें और वो उनका अपना एक काम समझे, अपना मैनेजिंग समझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समीर चौधरी जानता है कि अगर खेसारी जी अगर बर्बाद होंगे तो कुछ छोटी मोटी गलती उनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों की वजह से होंगे, और बाकी बात जो है वो कौन कर रहा नहीं कर रहा है सब जनता जान रहा, भोजपुरी सुनने वाला जान रहा है। अच्छा, बीआईबी विजेंद्र सिंह बहुत दावे के साथ है, कोई चीज़ रख रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ और बार बार इस चीज़ को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है उनके बात में भी कुछ ना कुछ सच्चाई ना। तो देखिए पुराना आदमी ना है बीआईबी भैया, पुराने आदमी है। सबसे बड़ा बात करिए भोजपुरी के, देखिए कि रवि किशन जी के बाद एक वही है जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे ना, है तो भोजपुरी के वो है भैया, वो पुराना सितारा है। और उनके सामने यहाँ चमकने वाले जितने भी क्रिस्टल आ रहे हैं वो लोग हैं, तो बोले की बात नहीं, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे जांच का विषय, वो अपने अंदर से बोल रहे हैं तो उनके पास भी कुछ सबूत होगा था ना, बोल रहे हैं। समीर चौधरी जैसे बोलता है तो ठोक बजा के बोलता है, तो उसी तरह का बात है।
भी भैया का भी, वो जो बोल रहे हैं वो अपना उनका विचारधारा है और कहीं ना कहीं वो सत्य बोल रहे होंगे तभी वो बोल रहे हैं, तो वो लोग आदमी बोलते नहीं है जल्दी किसी को। समीर जी बताइए कि खेसारी टीम अभी तक आकर इस बात में अपने सफाई कुछ अपने बात को नहीं रख रहे हैं, उनको आकर अपने बात को रखना चाहिए? नहीं, हम तो कहें खेसारी लाल जी को आकर रखना चाहिए। जिस प्रकार उनकी बेटी पे गाना गाया, जिस प्रकार विरोध हो रहा था, जिस प्रकार उनको कोई टिप्पणी करता तो तुरंत आकर बोलते हैं अभी ना सहानुभूति लेने का समय आया था। हाँ देखिए भैया, हम खेसारी लाल हैं, हमको बैंड कर दिया गया, ऐसे बोलना चाहिए था ना। थोड़ा सा आंसू से क्या होता ना कि लोगों को सहानुभूति मिलता। अब हम रो के कैसे देखा, अभी मान लीजिए कि बहुत अति होता ना रोबेंगे, अभी हम रोने का एक्टिंग किए, तो कम से कम थोड़ा सा सहानुभूति लेना चाहिए उनको। तमाम भोजपुरी सुनने देखने वालों को लगना चाहिए कि खेसारी लाल बैंड हो गलो भैया, खेसारी लाल बैंड हो गलो, तो ये नहीं होना चाहिए था। समीर जी लास्ट में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खेसारी लाल यादव का कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर खेसारी लाल यादव अगर फॉर्चूनर भी बेचेंगे, डिफेंडर भी बेचेंगे, जमीन बंगला सब बेचेंगे तो 5 करोड़ रुपया नहीं भरा पाएगा ग्लोबल म्यूजिक का। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल जी का जो गाड़ी है 2.5 करोड़ का, ओकर एगो अगर 100 केटवा बेच देंगे ना, जेकरा में से करेंटवा निकलता है तो बैठ के आदमी खाएगा, बता दे रहे हैं। और 2-4 गो जो चंगू मंगू यूट्यूबर है जो कट पेस्ट मार के जो कह रहा है कि खेसारी का जिंदगी हो गया बर्बाद, खेसारी का लग गया विरोध, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। खेसारी लाल है, एक ट्रेंडिंग मैन है, और सबसे बड़ी बात है कि वो भैंस से आज फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा, फॉर्च्यूनर से आज 2.5 करोड़ का गाड़ी पे चढ़ रहा, बोले वाला बात नहीं है। खेसारी लाल बंद हो जाएगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा? अरे यूट्यूब बैंड हो जाएगा, हम बता रहे हैं। हमको तो लगता है खेसारी बैंड हो लो तो भोजपुरी बैंड हो जी। तो हाँ, जिस प्रकार अभी जो फिल्म आ रहा ना, वो बोला गनवा लेके समझ रहे हैं संघर्ष टू, तो भोजपुरी को एक नया रुख दिया, ओकरे बाद आज 2-4 गो जो अभी फिल्म बन रहा है तो वैसा बन रहा है, बोलने वाली बात नहीं है समीर चौधरी के। हाँ अच्छा समीर जी, लास्ट में आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों और कंपनी को, खेसारी लाल यादव को फ्री करना चाहिए? देखिए कंपनी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में एगो कंपनी बैठाते हैं, लेकिन वो सब आदमी जो है वो कितना खर्च करके, कितना मेहनत करके, कितना पसीना गिरा के तब वहाँ तक पहुँचा है। और आप लोग अगर किसी को अगर टंगड़ी घींच के नीचे कीजिएगा तो याद रखिए टंगड़िया धर के चीर दिया जाएगा। जय हिंद, जय बिहार। तो चलिए, थे हमारे साथ में समीर चौधरी, इन्होंने बिल्कुल कटाक्ष करते हुए नजर आया, खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में है समीर चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू भाई।